गाइस वेलकम टू धामी धमाल एंड माय नेम इज शुभ। सो गाइस आज मेरी छुट्टी है, मतलब आज मेरा पेपर सबमिशन डे है। मतलब हमारा ऐसा है कि दो एग्ज़ाम हो गए, फिर पेपर सबमिशन करना है, इसलिए पापा आज पेपर सबमिशन दे रहे, इसलिए आज मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं है, ऐसे मान लो छुट्टी ही है आज। इसलिए मैं आज व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, पहले भी हुई थी छुट्टी पर मम्मी ने बोला कि व्लॉग शुरू कर ले, तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ। गाइस हमारे पौधे तो देखो जगह, तो हमने नीचे लगा रखे हैं पौधे थोड़े बहुत, इस वजह से दो तीन ही होंगी, यहाँ पर भी है थोड़े और यहाँ पर भी है थोड़े, ये पूरे हमारे पौधे हैं। झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पास हमारे पौधे नहीं है, देख लो रुको, देख लो भाई ये हमारे पौधे नहीं, किसी और के, मैं तो खाली कहा बोल रहा था। है सो गाइस आप मुझे बताइए कि दीदी का आज कल ऑफलाइन क्लासेस हो रही है, तो दीदी का एग्ज़ाम है, तो आज मैं दीदी को जाऊंगा छोड़ने के लिए, मतलब नीचे ही बस गेट तक, तो चलो चलते थोड़ी देर में। और अभी मैं बस मोबाइल देख रहा था, तो अभी और मोबाइल देखूंगा और थोड़ी देर में जाएंगे नीचे। अभी जा रहे हैं नीचे, सिर्फ मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बैग खराब हुआ और दीदी ने मेरे को कूली बना दिया है पूरा कूली। हम नीचे जा रहे हैं, तो गाड़ी अभी आई है और 10 घंटे वेट लगेगा, जब तक गाड़ी नहीं आती है 10 घंटे भी 10 मिनट। हाँ क्या फिर से ऊपर आ चुके हैं क्योंकि दीदी अपना आशीर्वाद लेना भूल गई। चलो मिलते गाड़ी तो आई नहीं। कहाँ पर है? आ गई। अपना भाई बैग बाय बाय यो सब टाइम लग रहा है क्या? हा 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 यो हो गया काम, वीडियो छोड़ के आ चुका, मैं सिर्फ अकेले छोड़ के आया हूँ, पापा से भी है इतना भारी भरकम बैग, वैसे तो हल्का था क्योंकि एग्जाम का ही था ना, तो अभी मैं क्या घर घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को भूख लगी है। खाने के लिए भी कह रहे हैं मेरे को, मेरे पास मोबाइल है मम्मी का, तो घर के जाके आराम से बैठ कर गेम खेलूँगा, मजा आएगा। मैं लोकेशन भी जा सकता हूँ पर मेरे को अलाउड नहीं है, लेकिन फिर एक बार फंस चुका हूँ।
चुका हूँ नहा के और मैंने हाफ टी शर्ट पहन लिया है और मेरे को अभी ऐसा लग रहा था कि 50 साल बाद हाफ टी शर्ट पहन रहा और पापा की गाड़ी अभी गई। हाँ, इसलिए जो हॉर्न की आवाज़ आई थी वो पापा की गाड़ी थी। पापा ऑफिस चले गए, दीदी स्कूल चली गई, मैं घर में वेला बैठा हूँ, मम्मी भी वेला, मतलब मम्मी तो अपना वॉकिंग कर रही है। मैं अभी तो कुछ खाऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर उसके बाद पढ़ाई करने चले जाऊंगा क्योंकि एग्जाम है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आज सैटरडे और कल है संडे, तो मंडे को ही मेरा एग्ज़ाम, तो आज थोड़ा सा पढ़ूंगा, आज थोड़ा सा पढ़ूंगा और संडे को ज़्यादा पढ़ूंगा, ऐसा ही करता हूँ मैं, एक दिन थोड़ा दूसरे दिन वैसा, जब सैटरडे संडे होता है वीकेंड तभी मैं ऐसा करता हूँ, वरना तो एक दिन में पूरा पढ़ना पड़ता है। गाइस आज धूप भी बड़ी अच्छी निकली है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, देख सकते हो। और कबूतर हट, हटाना पड़ेगा गाइस, 1 मिनट, चलो हट गया, हट गया, दो दो कबूतर बैठे हुए थे, बाप रे। और धूप भी बड़ी अच्छी निकली है, देख सकते हो आप। सो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो आपको मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, लौकी की सब्जी, हरी चटनी और दही, ये क्या हुआ, अच्छा, और रोटी। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, दिखाई दो रोटी पर असल में खाता हूँ वो तो नहीं बता सकता, सीक्रेट है वो। मैं खेल के आ चुका हूँ, मतलब भले ही खेल के आ चुका था, अभी बस बोल रहा हूँ मैं लेटा हुआ क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द दे रहा है, जब से खेल के आया हूँ तब से ही दे रहा है, मतलब जब मैं घर आ ही रहा था तब से दर्द रहा था मेरा हाथ में दर्द। और अभी जैसे मैं खिल के आया उसके थोड़ी देर बाद जब मैं मम्मी के पास आया तो मेरे को मिली एक बैड न्यूज है शायद या गुड न्यूज, वो मेरे को नहीं पता, पर इतना पता है कि 30, हाँ मैंने खाया बहुत अच्छा, ऐसा मत बोलो ना। हाँ तो मैं क्या बोला था कि 31 मार्च से मेरा स्कूल खुलने वाला है, मतलब मेरे को मेरे ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है 31 मार्च से, तो मैं जाऊंगा 1, 2, 3, 4 अप्रैल से, क्योंकि अभी तक मेरा जो शर्ट वर्ट है वो टाइट है और स्कूल अभी खुला हुआ है ही नहीं, बस जो बड़े भैया लोग हैं उनका स्कूल वो खुला है, उनका एग्जाम होता है ऑफलाइन, तो मेरा ऑफलाइन क्लासेस होने वाले है, तो मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, हैप्पी भी हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता मेरा क्लास कौन सा है, और इतना मतलब मैं नर्वस क्या चीज़ के लिए वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर मैं हूँ नर्वस, मेरे को सच्ची में वो यहाँ बहुत पता नहीं मुड़ रहा है बहुत असली में मुड़ रहा है। गाइस मैं आ चुका हूँ खेल के, मतलब लगभग मेरे को 20-10 आधा घंटा ही हुआ होगा खेल के आने में, और अभी मैं लेट चुका हूँ क्योंकि मेरे को मन कर रहा था लेट निकले इसलिए मैं लेट चुका हूँ। जैसे मैं घर आया तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी भूख लगी कुछ खा रही हो, तो मम्मी ने बोला कि पापा दीदी ने पापा को बोला है कि कुछ ऑर्डर करो, तो ऑर्डर क्या करो वो तो आपको उस समय पता चलेगा, अब मेरे को नहीं पता वो होगा कि नहीं, मम्मी तो बोल रही हाँ होगा होगा वो होगा क्योंकि पापा ने हाँ बोल लिया था, मम्मी ने बताया मेरे को, क्या पता मैं तब खेल रहा था, तो मेरे को अभी बहुत भूख लग रही है, पर मम्मी बोल रही पापा आएंगे फिर घर आएंगे फिर ऑर्डर करेंगे, जो भी चीज़ ऑर्डर करेंगे लेके नहीं आएंगे क्योंकि वरना बहुत टाइम लग जाएगा घर आने में, तो मैंने बोला बहुत टाइम लग जाएगा, पापा अभी आ ही गए। गाइस पिज्जा आ चुका है, मैं मम्मी का मोबाइल देख रहा था और मेरे को स्मेल आई इसलिए मेरे को पता चला, और उसके बाद मेरे को कंफर्म हो गया क्योंकि दीदी बोलने लग गई थी कि ये वैसा पिज्जा है वैसा वैसा, इसलिए कंफर्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ खाने के लिए। गाइस पिज्जा खा लिया और मैं कर रहा हूँ ब्लॉग को एंड, ना कुछ बात के डायरेक्ट ब्लॉग को एंड क्योंकि मम्मी ने बोला एडिट कर, तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।